और क्या क्या विशेषता होती है इसमें? इसमें होती है, अंदर में होती है कंगोर। अच्छा, ये होती है केर की। हाँ। ये गुजरात में मिलती है, तुम्बी इसको बोलते हैं, कच्ची दूधी। कच्ची दूधी जी। और इसमें राम राम साह, नमस्कार। मैं राजेंद्र निवाड़ा और थे देख रहे हैं राजू का सफरनामा। दोस्तों मैं बाड़मेर आयोड़ा सा और बाड़मेर को एक गांव से दूधिया कला दोरी मन्ना तहसील के कन्ने और वो गांव से प्रसिद्ध अलगोजा वादक दो देखान जी को गांव और ए बाका परिवार में सी पोता सी और ए बीन बजामी सी। तो मैं आकर आ गया और ए मैंने बहुत मधुर बीन सुनाया। अब बात करा सा बीन की तो थी। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, जो आप ये बजा रहे हो ये क्या चीज है? ये धुन मुरली। धुन मुरली या हम बीन? बीन अलग होती है, बीन है। अच्छा, अपनी भाषा में बीन बोलते हैं इसको? अपनी भाषा में बीन बोलते हैं हम। हाँ। उसको बोलते हैं सिंधी में मुरली। सिंधी में मुरली जी। तो किंडे किंडे बजे, मतलब कहाँ कहाँ बजाते हो आप ये? हम शादी में बजाते हैं और प्रोग्राम में बजाते हैं और कहाँ पार्टी होती है वहीं बजाते हैं। अच्छा, कभी विदेश में भी गए? विदेश में भी बजाते हैं, जो बुलाते गए नहीं है। गए तो नहीं है, अब बुलाएगा हमारे को है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सिद्दीक खान। सिद्दीक खान। हाँ, पिता का नाम रहमान खान। रहमान खान। तो आप इनके दो देखान जी के पोत्र हो जी। तो और क्या क्या विशेषता होती है इसमें? इसमें होती है, अंदर में होती है कंगोर। अच्छा। ये होती है केर की। हाँ। ये गुजरात में मिलती है, तुम्बी इसको बोलते हैं, कच्ची दूधी। कच्ची दूधी जी। और इसमें सूर्य ऐसे क्या 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 होते हैं? ये तो सूर्य होते हैं। एक तो बजट के। हाँ। एक तो सूर की है। अच्छा, जो कालबेलिया बजाते हैं वो अलग है या? वो अलग है, ये अलग है। अच्छा, वो अलग है, ये अलग है जी। दोनों में फर्क है? दोनों में फर्क है। अच्छा, कालबेलिया की सुर तो लंबी होगी। अच्छा। हाँ, ये सुर छोटी है। वो मंदली। अच्छा, होती है या टांकी होती? ये छोटी होती है जी। वो तो लंबी सुर वाली होती है, उसको वहाँ पे सांप नचता है। अच्छा। इस पे सांप नहीं नचता है। अच्छा, ऐसा है जी। तो आप एक छोटा सा हमें छोटा सा सुना के बता दीजिए ये बता। अब्दुल बजाई, ये कौन सा गीत है? मतलब कौन सा? ये केसरिया हजारी गुल स्वागत का गीत है। अच्छा, अपना राजस्थानी गाना। राजस्थानी गाना है। केसरिया गुल, केसरिया हजारी गुल रा फूल। अच्छा, वो पूरा आपने गा के इसमें बताया, ये उसी उसी की धुन है जी। तो वो वैसे भी गाते हो? हाँ जी जी, वैसे भी गाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या इसमें, कौन सी प्रसिद्ध धुन है जो इसमें बसती है? इसमें तो एक बार पणियारी है, केसरिया है और राठौड़ का गाना है। अच्छा, राठौड़ा को कौन सा गाना है? घूमर नखरा। बारात की लेके जाते हैं ना, वो आपको सुना सकते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार। यूसुफ खान अंतर्राष्ट्रीय कलाकार। अच्छा, आप भी? ये क्या बजाते हैं? ये अलगोजा बजाता है और
पुंगी भी बजाता है, पुंगी बजवा लेते हैं। इनके भाई है क्या? इनके भाई है क्या? ये दो देखा दो देखान के ये भतीजे। अच्छा भतीजे राम बैठ। देखान जी का खूब नाम सुन रखा था जो आज घूमने आए थे। आप शानदार बजाए। आपका क्या नाम है साहब? हाँ जी यूसुफ है, बाहर जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार। अच्छा आप भी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं? बाहर जाए आप भी दो देखान भतीजे? हाँ भतीजे हूँ। अच्छा भतीजे हमारा। तो साहब ये भी दो देखान जी के परिवार से ही है और अंतर्राष्ट्रीय बाहर विजय समय प्रोग्राम किया है। अच्छा प्रोग्राम किया है। हाँ भी बाहर मक्के गया हूँ, मदीने गया हूँ, पाकिस्तान गया हूँ। देखो पूरा मतलब पूरे खानदान को ये पूरे खानदान हर जगह संगीत से जुड़े हुए हैं ये सब लोग। तो ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक दो देखान जी का पोता जो बहुत ही बढ़िया अपन राजस्थानी धुना सुनाया वो भी आपका ई वाद्य यंत्र में पुंगी में। तो वीडियो था कसोक लागे हो, अगर अच्छो लागे हो तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखता रहो राजू का सफरनामा। राम राम सर।